ओम शांति। आज है 21 फरवरी 2022 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब बाप के साथ चल सको। प्रश्न, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? उत्तर, बाप का पहला फरमान है कि बच्चे इस देह को तुम्हें भूलना है, इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद निरंतर रहेगी। सदैव एक ही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ। इससे तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद न आए तो निरंतर योगी बन सकते हो। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां। ओम शांति, यह किसने कहा? आत्मा ने कहा ओम, अर्थात मैं शांत स्वरूप हूँ। यह सब समझने की बातें हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करो, हम आत्मा फर्स्ट, बाद में यह शरीर मिलता है। हम आत्मा किसकी संतान है? उस शांति के सागर, ज्ञान के सागर, परमपिता परमात्मा की। वह सदैव शांत है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं। शिव बाबा तो विचित्र है, उस आत्मा को अपना चित्र नहीं है। तुमको तो अपना चित्र शरीर है, बोलते रहते हो। बाप कहते हैं मैं सदैव विचित्र हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म चित्रवान है, मैं विचित्र हूँ। तुम आत्माएं भी मेरे साथ निर्वाण धाम में रहने वाली हो। बाबा जो विचित्र है वह बैठ सुनाते हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह दुख धाम है। कहते तो हैं हम पतित हैं, परंतु हमको ऐसा पतित किसने बनाया? बाप ने तो नहीं बनाया। बाप की तो महिमा करते हो तुम। मात पिता आपसे जो सुख घनेरे मिले हुए थे उसको सभी भारतवासी याद करते हैं। ब्रदरहुड हैं, फिर जब जिस्मानी बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। आत्मा तो है ही अविनाशी, परंतु फादरहुड तो नहीं कहेंगे। सन्यासी लोग कहते हैं शिवो हम तत्त्वम वा, ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर तो सब फादर हो जाते हैं। यह तो बेकायदे हो जाए। बच्चे पुकारते ही हैं मुक्ति, अर्थात जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। तो जब यहाँ आते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हम आत्मा हैं, ऐसे नहीं कि हम परमात्मा हैं, नहीं, हम आत्मा हैं। परम पिता परमात्मा के हम सब बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणिया हैं। तुम सब ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पुत्रे ठहरे। सब याद करते हैं परमपिता परमात्मा को, ओ गॉड फादर कहते हैं। फिर उनको सर्वव्यापी कहेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? भक्ति मार्ग में सब भगवान को याद करते हैं। भगवान है एक, तुम सब भगत हो। ब्राइड्स अनेक, ब्राइडग्रूम अथवा साजन एक है, वह बाप है, बाकी सब बच्चे हैं। तो और किसको भी याद न करो। बाप का फरमान है बच्चे, तुम्हें इस देह को भी याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही कहती है हम दुखी भ्रष्टाचारी हैं, यहाँ दैवी राज्य तो नहीं है। 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का यथा राजा रानी तथा प्रजा सदा सुखी थे। अकाले मृत्यु नहीं होता था, बहुत थोड़े थे। यह भारतवासी सब भूल गए हैं कि हमारा भारत पहले पहले हेवन था। कहते भी हैं हेवनली गॉडफादर। हेवन कोई मूल वतन को नहीं कहा जाता। यह याद रखना, हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी हैं। और कोई देहधारी की याद ना आए, देह अहंकार छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह जो कुंभ का मेला कहते हैं वह कोई सुहावने संगम युग का मेला नहीं है। संगम कहा जाता है कलयुग की अंत और सत्युग की आदि। कलयुग है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। भल महात्माएं भी हैं
परंतु पावन तो कोई नहीं। सब कहते हैं यह पतित दुनिया है, कुंभ पर जाते हैं पावन बनने के लिए, गंगा में स्नान करते हैं तो जरूर पतित हैं। साधु संत सब जाते हैं पावन बनने। बाप कहते हैं मैं तब आता हूँ जब बहुत भ्रष्टाचार होता है, मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मैं आकर इन सब का उद्धार करता हूँ। अहिल्याएं, गणिकाएं, साधुओं, गुरुओं आदि का उद्धार करने आता हूँ, क्योंकि वह तो पावन आत्माएं हैं नहीं। पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं, पावन दुनिया में फिर कोई पतित नहीं होता, लॉ नहीं है। साधु लोग अपने को महान आत्मा कहाँ समझते, वह तो अपने को परमात्मा समझते हैं, शिवोहम कहते हैं। प्राचीन महात्माएं आदि तो कहते थे परमात्मा बेअंत है, वह रचता और उनकी रचना बेअंत है, तो फिर निर्वाण धाम कैसे ले जाएंगे। उन्हों को पता ही नहीं कि जीवन मुक्त भी भारत था, उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। फिर सूर्यवंशी बदल चंद्रवंशी बने, पुनर्जन्म में तो आते हैं ना, 84 पुनर्जन्म लेते हैं, 84 लाख नहीं, यह तो बड़ा गपोड़ा लगा दिया है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात तो 84 जन्म चाहिए ना। बाप बैठ समझाते हैं कि अब किसको भी याद ना करो, हम आत्मा मोस्ट बिलव्ड परम पिता परमात्मा की संतान है, ऐसे नहीं कि सब परमात्मा के रूप है, यह तो इम्पॉसिबल है, यही एक भूल है। बाप एक ही है, बाकी सब हैं बच्चे, आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। फिर जब शरीर में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे ना। पहले पहले है ब्राह्मण, भारत में विराट रूप भी दिखाते हैं, ब्राह्मण है चोटी, भगवान की ऊंचे ते ऊंची संतान, अभी तो ईश्वरीय औलाद बने हो, शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। शिव बाबा के बच्चे तो सभी आत्माएं हैं, तुम वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो, शिव बाबा है झोली भरने वाला और खाली करने वाली है माया। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तरेता वाला राम सीता है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग तरेता है सुखधाम, वहां दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। पतित पावन सबका बाप एक ही है, यहाँ तो हनुमान के मंदिर में भी जाकर कहते हैं त्वमेव मातश्च पिता, वह कैसे हो सकता। सबका सदगति दाता पतित पावन एक ही है, वही ज्ञान का सागर है, वह जो सागर से नदियां निकलती हैं, वह तो है पानी। पानी तो पतित पावन हो ना सके, कोई भी खंड में ऐसे नहीं कहेंगे कि पानी में स्नान करने से पावन बन मुक्ति को पाएंगे, यह तो हो नहीं सकता। एक मुक्ति, दूसरी है जीवन मुक्ति। सदगति अथवा जीवन मुक्ति दाता एक ही है, यह है पतित दुनिया। भारतवासी जानते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात तुम भूल गए हो, पीछे फिर और खंड आते हैं, अब इतनी वृद्धि हो गई है। देखो बच्चे, यह हमेशा याद रखो, जब सुनते हो तो यह मत समझना यह दादा व ब्रह्मा बोलता है, शिव बाबा जो सबका रचयिता है वह बैठ रचना का राज समझाते हैं। ऋषि मुनि तो सब कहते रहे कि परमात्मा बेअंत है, हम नहीं जानते। आस्तिक तो तुम ब्राह्मण हो जो निश्चय करते हो कि बाबा हमको अपनी और रचना की नॉलेज देते, तरिकाल दर्शी बनाते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी तरिकाल दर्शी नहीं। बाप कहते हैं देवी देवता भी तरिकाल दर्शी नहीं हैं, सिर्फ ब्राह्मण ही तरिकाल दर्शी हैं। यह ब्राह्मणों की चोटी है, ब्राह्मणों से नई रचना होती है। तुम हो सबसे उत्तम, तुम बाप की श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाते हो। श्रीमत भगवान की है, श्रीमत भगवान की है, कृष्ण की नहीं। कृष्ण पतित पावन नहीं,
पतित पावन एक ही है, वह सबका बाप है। हमेशा याद करो, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। आत्म अभिमानी भव, हम आत्माओं को ज्ञान देता हूँ, तब गाया हुआ है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, पतित पावन सदगति दाता वही है। बच्चों को बाप पैदा करते, फिर टीचर बनकर पढ़ाते, फिर गुरु बनकर सदगति देते हैं। सदगति में ले जाने वाला सदगति दाता एक ही बाप है। तुम बच्चे नई दुनिया में जाने के लिए अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अभी यह पतित मनुष्य सृष्टि खत्म होकर दैवी दुनिया होने वाली है। अभी भल देवताओं को पूजते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि जरूर हम देवी देवता धर्म के हैं। जिसको पूजते हैं उनका वह धर्म कहेंगे ना। भारत वासियों का तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, स्वर्ग था। अब कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं, क्या सब लेते हैं? इतने लाख जन्म हो तो उसके लिए बहुत बड़ा कल्प चाहिए। यह भी ड्रामा अनुसार खेल बना हुआ है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, वह विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। बाप समझाते हैं विष्णु के दो रूप, लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो, कितना फर्क हो जाता है। वह फिर कहते हैं कृष्ण का स्वदर्शन चक्र था, लड़ाई के मैदान में चक्र चलाया, फिर कौरव मारे गए। लेकिन देवता कभी हिंसा थोड़े ही करते हैं, वह तो डबल अहिंसक हैं। न उनमें विकार है न लड़ाई है। सबसे बड़ी हिंसा है एक दो को विष पिलाना, काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं इससे आदि मध्य अंत दुख भोगते आए हो। सत्युग में काम कटारी नहीं चलती थी, वॉइसलेस राज्य था। सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हिंसा नहीं थी। इस समय रावण का राज्य है, 5 विकार सर्वव्यापी हैं। और वह फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। इस साइंस से जो भी विमान आदि निकले हैं अभी 100 वर्ष के अंदर, यह किस लिए? यह ट्रायल हो रही है। यह सब चीजें फिर भविष्य में काम आने वाली हैं। इन्हों के द्वारा अभी सब कुछ विनाश हो जाएगा, फिर यह सुख के काम आएंगी। यहाँ तो सुख भी है तो दुख भी है। इसको माया का पंप कहा जाता है। विनाश हो यह तो अच्छा है ना? कहते भी हैं पतित पावन आओ, क्या आकर करो। बाबा फिर से स्वर्ग की स्थापना करो तो हम सुख पावे। बाप समझाते हैं बच्चे यह खेल बना हुआ है। बाप सुख धाम रचते हैं, रावण फिर दुख धाम बनाते। शांति धाम से आत्माएं पहले पहले आती हैं सुख धाम में। पवित्र आत्माएं ही आती हैं। इसमें सब पतित हैं तब तो याद करते हैं कि आओ। बाप भी ड्रामा के बंधन में है। बाप कहते हैं जब सब दुखी हो जाते हैं तभी मुझे आना पड़ता है। कलयुग अंत और सत्युग आदि का यह संगम है। वह संगम पर कुंभ का मेला करते हैं। वह है पानी के सागर और नदियों का मेला। तुम कहेंगे यह है परमपिता परमात्मा और हम आत्माओं का मेला। बाबा को अपना शरीर तो नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे नॉलेज देने के लिए शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो मैं कैसे बात करूं। इसलिए मैं इनको अडॉप्ट करता हूं। तुम अब ईश्वर के सम्मुख आए हो। बाबा द्वारा जानते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं। अब परम पिता परमात्मा पूछते हैं मैं आऊं कैसे, किस में प्रवेश करूं? जरूर मुझे पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। यह सब सांवरे हैं। बाप कहते हैं तुम सब गोरे थे, अब सांवरे हो। तुम हरेक का नाम है श्याम सुंदर, अभी श्याम बने हो। कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। बरोबर भारत पहले सुंदर था, गोल्डन एज था, फर्स्ट क्लास प्रकृति थी, वहां लूले लंगड़े नहीं होते। कृष्ण है नंबर 1 श्याम सुंदर। शिव बाबा इनके ही शरीर का आधार लेकर इनको और साथ साथ तुम बच्चों को श्याम से फिर सुंदर बनाते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम हैं। इस नशे में रह श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है, आस्तिक बनना और बनाना है। नंबर दो, देह अहंकार को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, विचित्र अशरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूरत भव। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है, जैसे सोचते और कहते हो कि आत्मा शांत स्वरूप सुख स्वरूप है, ऐसे एक एक गुण व शक्ति की अनुभूति करो और उन अनुभवों में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को दूसरे को शांति की अनुभूति हो। शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। अनुभवी मूरत बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है, तो अनुभवों को बढ़ाओ। स्लोगन, संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नामो निशान नहीं रहेगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।